hello. The man known as HSY. Assalamu alaikum, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. मैं तो आपके कपड़े देखने आई थी, लेकिन आप मिल गए. मैं यूजुअली अपने ऑफिस ही पाया जाता हूँ इस वक्त क्लाइंट्स जो होते हैं वो जा रहे होते हैं. एंड दिस इज माई टाइम टू कैच अप ऑन माई डिजाइन एंड अ लॉट ऑफ रीडिंग. So this is my time to see your designs if I can. Is that time ho? Absolutely. Why don't I take you downstairs and show you our studio? Perfect. Thank you so much. मैं साथ-साथ आपसे चंद सवालात पूछने चाहती हूँ. ज़रूर. आपका ऑफिस तो बहुत शानदार है. बहुत शुक्रिया. Why? Why is it beautiful? An office is only beautiful if there is a beauty in the energy. और हमारे ऑफिस के अंदर क्या, हमारे पूरे स्टूडियो के अंदर एक पीसफुल काम सी एनर्जी है. आई थिंक इतने साल काम करने के बाद थोड़ा सा ठहराव आ जाता है कि यू अप्रिशिएट अ लिटिल बिट ऑफ क्वाइट टाइम, अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, एंड आई थिंक इट शोज इन दिस ऑफिस. मगर साथ साथ दिस ऑफिस इज ऑल्सो वेरी आइकॉनिक. बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है हमारे नया जो ऑफिस बना है कि दिस वॉज यूज टू बी द हाउस ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ फिल्म. और ये जो आप छत देख रही हैं, दिस इज एन एक्चुअल ओरिजिनल छत फ्रॉम व्हेन मूवी थिएटर, मूवी सिनेमास एंड प्रोडक्शन हाउसेस आर बीइंग बिल्ट. साथ ही हमारे ज़ेबा और मोहम्मद अली का घर है और ये एक मूवी डायरेक्टर का. वेरी इंटरेस्टिंग. तो आपने ये लोकेशन एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से शायद लगता है चुनी है. ये रीजन एक्चुअली इट केम आउट टू अस बाय चांस. हम लोग का स्टूडियो साथ था एंड आई वांटेड टू क्रिएट अ न्यू स्टूडियो एंड दिस स्पेस वाज अवेलेबल एंड एड्रेस भी वही हुआ. तो वी डिडंट हैव टू चेंज लोकेशन. एंड आपको जानती है बिजनेस में देयर इज ओनली वन रूल, लोकेशन लोकेशन लोकेशन. दैट्स वेरी ट्रू. सुबह कितने बजे उठते हैं आप? मैं सुबह यूजुअली उठता हूं अबाउट 8 o'clock इन द मॉर्निंग. आई लाइक टू गेट अप अर्ली एंड get a little time with myself. And what does your morning look like? My morning usually is, and I know it's going to sound boring, but it is something that my sister taught me, a list of gratitude. Count 10 things that you're grateful for, the rest of the day will be easy. What are you grateful for this morning? I am most grateful for my family. I am the luckiest person because if I didn't have the supportive family that I do, I wouldn't be here. Come. Thank you, chale. You've dressed so many beautiful women and men from across the world. I have been lucky to dress a lot of people. वो कौन सा एक शख्स है जिसके लिए आप कभी थकते नहीं कि मैं इसके लिए कपड़े बनाऊं? रीमा. आई लव ड्रेसिंग रीमा. रीमा इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट शी इज आल्सो वेरी अप्रिशिएटिव. एक साथ एक बात बताते चलूं. आप जो देख रही हैं हमारे दीवारों के ऊपर जो दिस वुड वर्क, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस ऑल इज समथिंग दैट वी हैव सेव फ्रॉम आवर प्रीवियस स्पेस. एंड व्हाई मैं क्यों बात करता हूँ, बहुत से लोग नई चीजें डेवलप कर रहे हैं, नई बना रहे हैं. प्लीज पुरानी चीजों को रीयूज जरूर कीजिए. स्टॉप वेस्टेज एंड स्टॉप डिस्ट्रॉइंग ट्रीज. वेरी ट्रू. Sustainability. Done? Okay. No, there's more. Okay. You are the original celebrity talk show host. Thank you. आजकल हर जगह there are so many celebrity talk shows जो pop up हो रही हैं. उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Celebrities probably need more questions. Possibly. Midnight guilty pleasure. Midnight guilty pleasure. Oh God. मुझे बहुत दफा boxes of chocolates मिलते हैं from different clients and I thank you very much for it. रात को जब मैं सोचता हूँ कि आप कोई नहीं देख रहा और मैं diet छोड़ सकता हूँ, वो मैं खा जाता हूँ. साथ साथ I want to show you another thing. This is a little fun fact. You see this table here? This table is from a snooker table that I used to go and play at when I was young and I didn't have a lot of money. And I used to make all my life plans on it. I ended up buying the table, making it into another table for very myself. Nice. A little reminder of the past. आप थोड़े से sentimental लगते हैं कि आपको sentimental चीजें अच्छी लगती हैं. नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं. मैं बहुत ज़्यादा sentimental हूँ. ओह, अच्छा, ज़्यादा sentimental है. This is also a fun fact. This was actually हमने अपने लिए बनाया था. From when I opened my first ready-to-wear store. At that time, we couldn't afford all of the crazy things that now people can. And they were putting, हमारे clients आ गए. They were putting different chandeliers and whatnot in it. So I could only afford this H, but I kept it because it's good luck. Oh, that's interesting. आपने जब कहा था कि जब आप छोटे थे, आपने एक दफा कहा था, you just wanted to be successful. How do you define success? देखिए जी, everyone has success is different. I am a single parent child. For me, success was कि मैं अपनी family का ख्याल रख सकूँ financially, and that's where it started. मगर उसके साथ साथ when I started seeing कि possibilities are endless, मैंने भी ये सोचा कि I think we are all here for infinite possibilities. And now I don't find success in a thing. I find success in the memories of the things. Interesting. ये बताइए कि आपका जो ये मैंशन है, इसका नाम मैंशन क्यों है? Actually, बहुत से लोग इसको मैंशन कहते हैं, मैं इसको मैंशन नहीं कहता. अच्छा. HSY Mansion used to be the name of our property in Karachi. Now we just call this HSY. People call it the mansion, they call it the studio, they want to call it whatever. But to me, this is the world of HSY. Interesting.
वैसे ये बताएं आपकी गाड़ी तो बड़ी शानदार है. How can I get a car like that? By going to the dealership and ordering one. It's really that simple. Oh, it is, is it? All right, चलें. When do you think our fashion industry will become more inclusive? Especially with regards to plus size clothing. I think all fashion industries are inclusive in ways that a lot of people don't understand. Kapde usually abhi tak zyada major designers ke paas bante hain on size. And every single thing is available for that person because unke liye custom made hai. Hamare liye no size is too big or too small. And I'm really against body shaming. Ah, it's interesting. Do you think Pakistanis are designer obsessed? No, I think the world is designer obsessed because everyone's looking for that certain voice that's theirs. I don't think it has anything to do with design or labels. I think it has something to do with everyone finding their own tribe, their own voice, their own reason for being the way they are. And if that's what they want, there's nothing wrong with that. That's true. लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जितनी महंगी चीज लेंगे उतना ही आपको अच्छी चीज मिलेगी. ये कौन से लोग हैं? आप उनसे बुलाइएगा जरूर. मैं इनको नहीं जानता. अच्छा. This is our building number one, और this is our entrance hall to the studio. Studio space के बारे में बताता चलूँ. ये एक पहला studio जो it's the largest in Pakistan as far as couture studios is concerned. मगर सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने इसको एक दुकान की तरह नहीं बनाया. शादी के वक्त जो होता है वो बड़ा personalized वक्त होता है. Everybody wants service that makes them feel like they're at home. So हमने studio ऐसा बनाया कि आपको लगे कि आप मेरे घर पे. बाकी मेरा घर ऐसे नहीं लगता लेकिन आई वुड लाइक कि मेरा घर ऐसा लगे, राइट? आप मुझे बुला ले, मैं डेकोरेट कर दूंगा. थैंक यू सो मच. अच्छा ठीक है, हमने सुना है कि यू एंजॉय शेरो शायरी. नाउ दैट आपने आप उर्दू में काफी बातचीत कर रहे हैं, एक छोटा सा शेर भी सुना. बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. वाह 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 वाह. और इसके आगे गाना भी है. अच्छा. शेरो शायरी का एक्चुअली मैं बताता चलूं, शेरो शायरी मुझे सिखाई और सुनने में आई मेरी वालदा की वजह से. वो बहुत शौकीन हैं शेर व शायरी की. हम उनको किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है शेर व शायरी के बारे में. और क्योंकि बचपन से ही हमारे घर में इतने शेर व शायर आ रहे थे और हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई गजल नाइट या कवाली नाइट होती थी. Nice. तो मुझे आदत हो गई. मगर मैं समझता हूँ कि हमारी गजलों की जिस तरह नो वन कैन राइट. दैट्स वेरी ट्रू. आई कंप्लीटली आई विल टेक यू इनटू आवर फर्स्ट व्यूइंग रूम. व्यूइंग रूम. हमने सुना है कि HSY की पार्टी सबसे शानदार होती है. Everybody comes and nobody misses it. Probably true that no everyone comes and no one misses it. शानदार हैं या नहीं वो तो आपको जो अटेंड करते हैं उनसे पूछना पड़ेगा. That is true. You kept everyone engaged. आपने लाइव सेशंस किए थे लॉकडाउन के दौरान. आपका आइडिया कहाँ से आया था? देखिए जी, इस वक्त लॉकडाउन में जब हुआ था ना, हर बंदा घर पे बंद, तो सिर्फ मैं अकेला बंद नहीं फील कर रहा था, हम सब अकेला बंद फील कर रहे थे. और उस वक्त हमें सिर्फ एक जरिया था कम्युनिकेशन का, था वो टेलीविजन. और टेलीविजन में था एवरीवन्स डाइंग, एवरीवन्स डाइंग, एवरीवन्स डाइंग, डेथ डेथ डेथ. यू नीडेड अ लाइट कॉन्वर्सेशन. तो मैंने सोचा क्यों ना कि हम लाइव कॉन्वर्सेशन करें. और उसके अंदर हमारे तीन ऑब्जेक्टिव थे जिसमें मैंने किया. इन्फॉर्मेशन, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना कि वो गलत इन्फॉर्मेशन जो पढ़ रहे हैं वो ना उसको फॉलो करें. एंटरटेनमेंट, के वो थोड़े से एंटरटेन रह सकें. एंड तीसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं सारे सेलिब्रिटी के साथ यही बात करूँ, वो थी इंस्पिरेशन. हमें भूलना नहीं चाहिए ये जिंदगी में मुश्किल वक्त आएंगे और पहले भी आए थे. विल गेट थ्रू दम टूगेदर. आई लव दैट चेयर. मैं आपको रोकूंगी प्लीज. इस कुर्सी पे आपकी शक्ल है ये. हाँ जी. क्यों? ये कुर्सी मुझे एक्चुअली एज अ गिफ्ट दी गई थी फ्रॉम अ फर्नीचर डिजाइनर फ्रेंड ऑफ माइन हमजा तारर. एंड उसने मुझे, और एक्चुअली हम पांच डिजाइनर से उसको ने चेयर बना के दी थी. इट वाज मेनी इयर्स अगो, बट आई केप्ट इट बिकॉज़ आई ऑलवेज कीप ऑल माय गिफ्ट्स. गिफ्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू कीप, उनको आगे नहीं देना चाहिए. सेकंडली, गिफ्ट्स आपको याद दिलाते हैं ऑफ द रिलेशनशिप दैट यू हैड एंड हाउ योर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप हैज बिल्ट. हां, इंटरेस्टिंग. दिस इज अ वॉल ऑफ माय फैमिली एंड ऑल आवर पर्सनल पिक्चर्स. चाहे मेरा स्टूडियो हो, मेरा घर हो, मेरा ऑफिस हो, और या चाहे मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं, मैं अपने साथ एक फ्रेम पिक्चर अपनी फैमिली की हमेशा रखता हूं. यू शुड ऑलवेज नो योर फैमिली इज नेक्स्ट टू यू. How nice. That's really, really sweet. Coming back to your live sessions, Deepak Purwani, जो एक और डिजाइनर है, आपकी live session में थोड़े से उन्होंने unwarranted comments किए थे, लोग थोड़े से controversial उनको समझा था. आप कुछ कहेंगे उन comments के बारे में? देखिए जी, comments are what people give. They give their opinions. मैं सवाल पूछता हूँ. अगर मैं किसी से पूछूं कि तुम्हें प्यार है या नहीं है, और वो कहेगी कि मुझे प्यार नहीं है, और उसको प्यार है, लोग कहेंगे वो unwarranted था कि उसको प्यार है. Okay, that's what they choose to do. That is their choice. अगर हम लोग इंटरव्यूज करते हुए हम उनकी आंसर्स को भी ट्वीक करना शुरू हो जाएं और लेके जाएं जहां हम समझते हैं कि हमारे लिए ठीक है, देन इट वॉन्ट बी एन इंटरव्यू शो, इट विल बेस्ट बी अस टेलिंग देम व्हाट टू डू. क्या मैं उन सब के जवाबों के साथ अग्री करता हूँ? हरगिज़ नहीं. क्या वो उनका ओपिनियन है? एब्सोल्युटली. आप टेलीविजन शोज उनके ओपिनियन के लिए देख रहे हैं, मेरे लिए नहीं. बिल्कुल. हाउ डू यू डील विद कंट्रोवर्सी?
How do I deal with controversy? How everyone deals with controversy. You're wondering why it happened in the first place. But once it does happen, then you just have to hunker down and deal with it. Magar ek cheez yaad rakhein, jo mujhe seekhi hai controversy se. Kuch padhe logon ke saath tarah tarah ki controversies hoti hain. Hum log itne constantly इन टच रहते हैं दुनिया के साथ कि एक कंट्रोवर्सी होती खत्म नहीं होती तो पांच सेकंड बाद कुछ और होती है हो जाती है कंट्रोवर्सीज आर अ गुड टाइम टू सिट बैक एंड पॉन्डर एंड रिफ्लेक्ट बट डोंट हैव टू गेट स्टक ऑन देम लाइफ मूव्स ऑन एवरीडे आई एग्री कैन आई सी द क्लोथ्स कम लेट्स टेक यू टू द सेक्शन सो दिस इज आवर लाइब्रेरी रूम यहां हम लोग क्लाइंट से ना सिर्फ मिलते हैं मगर वो बैठ के अगर टाइम गुजारना चाहे हमारे साथ और हमारे पास स्टूडियो पे आने के लिए आप सिर्फ कपड़े ऑर्डर करने के लिए ना आए आके कम हैंग आउट विद अस हैव अ कप ऑफ टी वी गॉट अ गॉर्जियस कोर्टयार्ड एज वेल इट्स अ स्पेस वेयर यू कैन कम एंड रिलैक्स एंड वी बिलीव दैट दोस काइंड ऑफ स्पेसेस आर मिसिंग इन द रिटेल वर्ल्ड लेट मी शो यू आवर क्लोजेट रूम फॉर आवर ब्राइडल होस्टिंग या एक्टिंग Hosting या acting, that's like asking about me if I want to go cycling or eat Haleem. उनका तो जोड़ तोड़ ही नहीं है, बिल्कुल फर्क चीज़ है. Hosting I love to do because I like to ask questions. Acting I love to do because I want to be someone else for that period of time. Interesting. लोग कह रहे हैं कि आजकल fashion weeks have lost their charm और बस शादी 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 के shows हैं. आप agree करेंगे? बिल्कुल agree करूँगा. Fashion weeks have lost their charm because सारे जो हैं वो एक जैसे लगना शुरू हो गए हैं. सारे shows अब उन्होंने एक formula use कर लिया और उसको टप 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 कर रहे हैं. आई थिंक जब मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं तब डायरेक्ट कर रहा था हर शो की आइडेंटिटी ज़रा सी फ़र्क होनी चाहिए बिकॉज अगर आप दो शोज़ देख रहे हैं जो एक ही तरह के कोरियोग्राफ हुए हुए हैं एक ही तरह का बैकग्राउंड है और एक ही तरह का सब कुछ फॉर्मेट है लोग तो बोर होंगे द स्पाइस इन फैशन इज़ डाइवर्सिटी इस कमरे में आपका फेवरेट आउटफिट इस कमरे में मैं अपना फेवरेट आउटफिट उसी तरह पिक करूंगा जिस तरह एक माँ अपना फेवरेट बच्चा चूज करेगी इम्पॉसिबल बिकॉज आई डिजाइन एवरी सिंगल थिंग एंड फॉर मी हाउ कैन आई पॉसिबली चूज वन डिजाइन ओवर अनदर डू यू रियली थिंक माँ का फेवरेट नहीं होता डू यू रियली थिंक डिजाइनर का फेवरेट नहीं होता इंटरेस्टिंग गुड कमबैक कभी कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा और सोचा कि काश ये रोल मैं करता देखिए जी मैंने मैं इतनी जरूरत ही नहीं कर सकता कि मैं ऐसा सोचूं इस वक्त आई एम वेरी न्यू अभी तो जो मैं रोल कर भी रहा हूं वो भी मैंने बड़ी मेहनत से किया मगर जिन लोगों के आगे मैं कर रहा था और जिनके साथ कर रहा था वो लोग ही इतने बड़े लेजेंड्स हैं दैट आई फील लाइक आई हैव अ लॉट टू लर्न आई वुड लव टू हैव डन सम रोल्स दैट आई सी नाउ इन टेलीविजन बट आई स्टिल आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो आई डोंट वॉन्ट टू स्टेप इन टू दैट टेरिटरी Without proving myself, कुछ और episodes देखें। लोग कहते हैं कि fashion industry बहुत toxic जगह है। आप agree करेंगे? मैं सुना है कि grocery store में भी काम करने पर toxic है। मैंने सुना है घर पे अगर फूफी और मासी की लड़ाई हो जाए वो भी बड़ी toxic है। सही बात। मैंने सुना है कि अगर एक workshop पे दो लोग car tire change कर रहे हो वहाँ लड़ाई हो जाए वो बड़ी toxic जगह है। लेकिन the toxicity is where you find it and peace is where you find it. If you find peace in where you are, it's not. I think लोग बातें ज़्यादा कम करें और काम ज्यादा आना दैट्स ट्रू वन फैशन स्टेटमेंट दैट नीड्स टू बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो ये फैशन स्टेटमेंट क्या है इट्स योर सेल्फ रिफ्लेक्शन इफ आई टेल यू दैट दिस शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो देन दैट्स नॉट योर सेल्फ रिफ्लेक्शन मैं नहीं बिलीव करता कि ट्रेंड्स ये हैं और द ट्रेंड्स वो हैं ट्रेंड्स वो हैं जो आपको अच्छा लगे और अगर आपको लग रहा है वो स्टेटमेंट आपके लिए अच्छी है तो बिस्मिल्लाह पहनिए If there is one designer Pakistani you could wear for the rest of your life which designer would that be Unfortunately, they don't make clothes for men, but I'm very particularly fond of, as people and as designers, of Sanan Safinaz. Wo aadmi kapde nahi banati, but yeah, just them. Other than that, I can't think of a menswear designer that doesn't do clothes that I already do. I think they're all wonderful, but there's not another vein or another kind of design that I'm not making. जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं अपने पहन लूंगा अच्छा मुझे जाना है और मेरे पास रैपिड फायर के सवाल हैं अगर आप थोड़े से स्टेप्स पीछे लीजिएगा वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू आस्क यू वन सेलिब्रिटी हु नीड्स अ फैशन मेकओवर जल्दी 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 हाउ लॉन्ग यू हैव व्हाट वुड यू से टू समवन हु सेज एचएसवाई इज ओवररेटेड दैट्स ओके आई मीन आई वाजंट रियली वेटिंग फॉर अ रेटिंग फवाद खान है हमारे साथ Fawad Khan on cinema and Humayun everywhere else. One moment you were left starstruck. When I was in Central Park and Tom Cruise was jogging. Oh, Tom Cruise, wo to kisi ko bhi starstruck chhod le. From your humble beginnings to now 20 years in the field, aap kaise describe karenge aapki journey in one word? Grateful, incredibly grateful. If I have anything that I've learned in life,
is that gratitude is the most important thing. हम सबको हर चीज़ के लिए चाहे ये सक्सेस हो या जो मर्जी हो हर दिन ग्रेटफुल होना चाहिए. कोशिश करें सुबह उठकर अपनी 10 gratitudes count करें and then watch your day will be amazing. HSY, thank you so much for this interview.